हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अल्फा स्टडी चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, एनसीईआरटी का सारे चैप्टर का क्वेश्चन वन बाय वन कवर कर रहे हैं, जो ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज जो चैप्टर होगा दोस्तों, 9वां चैप्टर होगा, अनुवांशिकता एवं जैव विकास। इनके सारे सवालों को देखेंगे। और दोस्तों, अगर आपने इससे पहले दोस्तों 8 चैप्टर ख़त्म हो चुका है, अगर आपने उन चैप्टर को नहीं देखा है तो उनका ज़रूर देख ले दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इनके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों में लिंग का निर्धारण किससे होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, बच्चों में लिंग का निर्धारण जो होता है गुणसूत्र के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, सभी को पता है कि मनुष्य में जो होता है दोस्तों, मानव में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, जिसमें से एक जोड़ा जो होता है दोस्तों, इसे हम लोग लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एक जोड़ा जो होता है लिंग गुणसूत्र होता है, और ये महिला में एक्स एक्स होता है जबकि पुरुष में एक्स वाई होता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात सभी बच्चे जो है अपने माता से एक्स गुणसूत्र लेता है जबकि पिता से एक्स या वाई लेता है। ठीक है दोस्तों, अगर पिता से वाई लेगा तो बच्चा लड़का होगा, अगर पिता से एक्स लेगा तो लड़की पैदा होगी। ठीक है दोस्तों, तो जो निर्भर करता है दोस्तों बच्चा का लिंग, तो वो पिता के ही गुणसूत्र पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुणसूत्र। बच्चों का लिंग का निर्धारण जो होता है वो गुणसूत्र के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, समजात अंग का उदाहरण है। तो दोस्तों, निम्नलिखित में समजात अंग का उदाहरण है। दोस्तों, समजात अंग का उदाहरण से पहले समझ जाते हैं कि समजात अंग होता क्या है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो समजात अंग उसे बोलते हैं दोस्तों, वे अंग होता है समजात अंग जिसकी संरचना, ठीक है दोस्तों, जिसकी स्ट्रक्चर एक समान होता है, परंतु उसका कार्य जो है अलग अलग होता है। ठीक है दोस्तों, कार्य अलग अलग होता है, उसे ही समजात अंग बोलते हैं। कार्य अलग अलग होता है परंतु स्ट्रक्चर संरचना जो होता है दोस्तों, वो एक जैसा ही होता है, लेकिन कार्य जो है अलग अलग होता है, उसे समजात अंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समजात अंग जैसे उदाहरण दिया गया दोस्तों, हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद जो है दोस्तों, इनका संरचना एक ही है लेकिन कार्य अलग अलग करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारा दांत तथा हाथी का दांत और हमारा दांत का संरचना दोस्तों एक ही है, स्ट्रक्चर एक ही है, लेकिन इनके कार्य अलग अलग होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे ही बोलते हैं समजात अंग। और एक तो होता है दोस्तों समरूप अंग। तो समरूप अंग जस्ट इसका अपोजिट होता है दोस्तों, कि उसका स्ट्रक्चर जो होता है दोस्तों अलग, लेकिन कार्य समान करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, संरचना समरूप अंग में दोस्तों संरचना एक जैसा ही होता है लेकिन उनके सॉरी दोस्तों संरचना अलग होता है लेकिन उनके कार्य जो है एक जैसा ही होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में चमगादड़ है ना दोस्तों, चमगादड़ व पक्षी का पंख। ठीक है दोस्तों, चमगादड़ व पक्षी का पंख, ये दोनों का कार्य एक ही है दोस्तों, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर संरचना अलग अलग है। पक्षी का पंख उड़ने के लिए चमगादड़ जो है पंख का प्रयोग करता है उड़ने के लिए, तो कार्य एक हुआ लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, इसीलिए उसे समरूप अंग बोलते हैं। और समजात अंग जिसका स्ट्रक्चर एक जैसा ही हो लेकिन कार्य अलग अलग हो, उसे ही समजात अंग कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑल ऑफ दीज। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, इन सभी का जो है संरचना एक ही होता है लेकिन कार्य अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो याद रखिएगा दोस्तों, मेंडल ने जो अपना प्रयोग के लिए पौधे को चुना था वो मटर के पौधे था। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा मटर। और मेंडल को जो दोस्तों फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को, जेनेटिक्स है ना दोस्तों, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मटर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने पाया कि F1 जनरेशन हमेशा एक जैसा दिखता है। किसके जैसा दिखता है दोस्तों, पिता के जैसा,
माता या पिता के जैसा, दोनों के जैसा, ननोदीज या माता या पिता किसी में एक के जैसा। तो दोस्तों अगर यहाँ पे एक लंबा पौधा लेते हैं दोस्तों टीटी और एक बौना पौधा लेते हैं स्मॉल टी, इन दोनों का क्रॉस करवाते हैं दोस्तों, तो एक कैपिटल टी एक लंबा पौधा बन सकता है या फिर बौना पौधा, ठीक है दोस्तों। तो जो है या तो लंबा पौधा बनेगा या बौना पौधा, ठीक है दोस्तों। तो लंबा पौधा बनेगा या बौना पौधा तो एक ही बनेगा, इसीलिए माता या पिता किसी एक जैसा ही बनेगा, ना कि दोनों के जैसा, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा या फोन जनरेशन जो माता या पिता किसी एक जैसा ही बनेगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीन शब्द की खोज किसके द्वारा की गई? तो याद रखिएगा दोस्तों जीन शब्द की खोज जो है जोहानसेन के द्वारा की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जोहानसेन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। जेनेटिक्स के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों जेनेटिक्स के पिता के रूप में जो जाना जाता है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वाटसन किस क्षेत्र में काम के लिए जाने जाते हैं? ठीक है दोस्तों, तो नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वाटसन जी जो है वो किस क्षेत्र में काम के लिए जाने जाते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा ये जेम्स वाटसन जो है जेनेटिक्स के काम के कार्य के लिए जाने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इन्होंने ही जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने ही दोस्तों 1953 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया द्वि कुंडली संरचना के लिए, ठीक है दोस्तों, डबल हेलिक्स मॉडल के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1953 में, ठीक है दोस्तों। ग्रेगर जॉन मेंड सॉरी जेम्स वाटसन एवं क्रिक को, दोनों को संयुक्त रूप से। तो जेम्स वाटसन जो है जेनेटिक्स क्षेत्र में काम के लिए जाने जाते हैं, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। जीवित कोशिका में वंशानुगत लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ठीक है दोस्तों, इस सवाल का जवाब दीजिए। जीवित कोशिका में जो वंशानुगत लक्षण है वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो दोस्तों ये डीएनए के द्वारा नियंत्रित की जाती है, ठीक है दोस्तों। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाइऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है दोस्तों, जबकि इसका फुल फॉर्म होता है आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जीवित कोशिका में वंशानुगत लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है दोस्तों? तो डीएनए के द्वारा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। डीएनए में मौजूद शर्करा है, ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए में मौजूद शर्करा है, तो याद रखिएगा दोस्तों डीएनए में जो मौजूद शर्करा है वो डाइऑक्सीराइबोज होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, डाइऑक्सीराइबोज। जैसे डीएनए का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है दोस्तों, उसी से ये पता चलता है। इसमें जो शर्करा मौजूद होता है दोस्तों, शुगर मौजूद होता है, वो डाइऑक्सीराइबोज होता है, जबकि आरएनए में दोस्तों राइबोज शर्करा मौजूद होता है। इन दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की ओर, तो डीएनए में कौन सा शर्करा मौजूद हो जाएगा दोस्तों? डाइऑक्सीराइबोज, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए में शामिल नहीं है। तो दोस्तों याद रखिएगा गुआनिन और एडिनिन ये डीएनए का भाग है, जबकि यूरेसिल डीएनए का भाग नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यूरेसिल। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ग्रेगर जॉन मेंडल का सिद्धांत किस पर आधारित था? ठीक है दोस्तों, इस सवाल का जवाब दीजिए। लैंगिक जनन या वनस्पति जनन? तो याद रखिएगा दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल का जो सिद्धांत था वो लैंगिक जनन पर आधारित था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लैंगिक जनन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहले डीएनए प्रयोगशाला में किसने संश्लेषित किया? ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो क्या था सबसे पहले डीएनए का प्रयोगशाला में संश्लेषण, हरगोविंद खुराना जी थे जो इंडियन थे, ठीक है दोस्तों। हरगोविंद खुराना को दोस्तों जेनेटिक्स कोड के खोज के लिए दोस्तों इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था,
नोबेल प्राइज दिया गया था दोस्तों, नोबेल प्राइज दिया गया था 1968 में। तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले जो डीएनए प्रयोगशाला में संश्लेषण किया था दोस्तों, वो हरगोविंद खुराना जी थे, और जिन्हें जेनेटिक्स कोड के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1968 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हरगोविंद खुराना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, प्राकृतिक चयन सिद्धांत जो दिया गया था, ये डार्विन के द्वारा दिया गया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? तो डार्विन के द्वारा। इस सवाल को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डायनासोर थे दोस्तों, डायनासोर किस ग्रुप, किस प्रजाति से बिलोंग करते थे दोस्तों, ये बताना है। मेसोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक पक्षी, या दोनों, या नन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा दोस्तों, डायनासोर जो थे वो मेसोजोइक सरीसृप वर्ग के थे, ठीक है दोस्तों। और डायनासोर जो है दोस्तों 18 हज़ार करोड़ साल पहले डायनासोर धरती पे आए थे, ठीक है दोस्तों। बहुत ज़्यादा हो गया दोस्तों, 18 हज़ार करोड़ साल पहले जो है डायनासोर धरती पे आया था। और दोस्तों ये मेसोजोइक सरीसृप वर्ग के हैं डायनासोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेसोजोइक सरीसृप। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। मैमथ किसके पूर्वज थे? तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, मैमथ जो थे हाथी के पूर्वज थे, ठीक है दोस्तों। इसको याद रखिएगा, मैमथ जो है हाथी के पूर्वज थे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। जीवन के विकास पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों जीवन के विकास का जो चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे वो दोस्तों लैमार्क थे। लैमार्क ने जो है जीवन के विकास पे सबसे पहले चर्चा किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लैमार्क, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को भी याद कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। रेडियोधर्मिता डेंटिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों रेडियोधर्मिता डेंटिंग एक तकनीक है कि क्या मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, बताना है आपको। चट्टान का उम्र, चट्टान की संरचना, चट्टान का वजन, या इनमें से सभी। तो याद रखिएगा दोस्तों, रेडियोधर्मिता डेंटिंग जिस तकनीक का प्रयोग करते हैं हम लोग चट्टान का उम्र का पता लगाने के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चट्टान का उम्र। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, गुणसूत्र में जो पाए जाते हैं अनुवांशिक पदार्थ दोस्तों, उसे जीनोम कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जीनोम। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गुणसूत्र में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज किसने की थी? ठीक है दोस्तों, डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, डीएनए पॉलीमरेज नामक जो एंजाइम की खोज की थी वो आर्थर कैनबर्ग ने की थी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब खोज वगैरह सब याद ही करना होगा दोस्तों, इनका कोई हल नहीं है बिना याद किए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, डीएनए पॉलीमरक नामक एंजाइम की खोज जो दोस्तों आर्थर कैनबर्ग ने की। तो अगला सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, वनस्पति विज्ञान के जनक जो है थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और एक ठो चीज़ है दोस्तों, अगर पूछेगा वनस्पति विज्ञान का, वनस्पति जगत का वर्गीकरण किसने किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। अगर ऐसा सवाल आता है दोस्तों, वनस्पति जगत का वर्गीकरण किसने किया था, तो उसका आंसर होगा दोस्तों एकलर ने, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज भर बस इतना ही था दोस्तों। अगर वीडियो को पसंद आया आपको तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अपने दोस्तों को बताइए दोस्तों, ताकि उनका भी भला हो। और दोस्तों अगर आपको कोई सुझाव, कोई सजेशन देना हो दोस्तों, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगला चैप्टर में, आज तो 9 चैप्टर ख़त्म हो चुका है दोस्तों, कल जो चैप्टर होगा दोस्तों 10वां चैप्टर होगा, जो फिजिक्स से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है दोस्तों। कल फिजिक्स से सारे चैप्टर फिजिक्स का स्टार्ट होने वाला है, ठीक है दोस्तों। पहला से 1 से जो 5 तक चैप्टर था दोस्तों, वो केमिस्ट्री से था,
ठीक है दोस्तों, केमिस्ट्री से था, और आज जो बायोलॉजी से है 6 से 9 तक ही चैप्टर है दोस्तों, और जो है फिजिक्स जो होगा वो 10 से लेकर 16 तक होगा। ठीक है दोस्तों, ये बायोलॉजी का है। और दोस्तों एक बात बताना चाहते हैं दोस्तों कि दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन देखें दोस्तों, अभी जेई का एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, उसमें टोटल 39 शिफ्ट का अगर आप साइंस का क्वेश्चन खोजिएगा तो इन्हीं जो लगभग 500 क्वेश्चन के आसपास हम कराएंगे दोस्तों, इन्हीं 500 क्वेश्चन में ही सारे क्वेश्चन रहेंगे, एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं होगा दोस्तों। इन्हीं सब 10th क्लास के बेसिस पे ही पूछता है ग्रुप डी और एनटीपीसी में, इसलिए दोस्तों इन क्वेश्चन को आप किसी भी तरह याद कर लीजिए। और जो बोलते हैं वीडियो क्वेश्चन के साथ साथ दोस्तों, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं अगला वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।